रैंकिंग्स आजकल शाया हो रही है, कुछ थॉमसन रॉयटर्स की तरफ से, कुछ क्यूएस की जानिब से, कुछ टाइम्स हायर एजुकेशन रिव्यू की तरफ से वगैरह वगैरह। और उसकी वजह यह है कि आला तालीम की मांग पूरी दुनिया में बहुत बढ़ गई है। इसी से आपको अच्छी मुलाजमतें मिलती हैं, इसके बगैर आपका कोई मुस्तकबिल नहीं बनता है। लिहाजा एक दौड़ लगी है कि इस यूनिवर्सिटी को उससे बेहतर कहा जाए या इनका किसी तरह से मुवाजना किया जाए, पूरी यूनिवर्सिटी के हिसाब से या फिर बाय डिपार्टमेंट के हिसाब से। तो कहीं कहीं तो ये बात सही भी है कि इस दर्जाबंदी से आप अच्छी यूनिवर्सिटियों की शनाख्त कर सकते हैं, और जो भी आप रिव्यूज देखेंगे, जो भी टाइम्स सप्लीमेंट टाइम्स हायर एजुकेशन बताता है और जो क्यूएस बताता है और जो थॉमसन रॉयटर्स बताता है, कहीं कहीं इसमें इत्तेफाक भी होता है। मिसाल के तौर पर हमेशा हार्वर्ड और एमआईटी और स्टैनफर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज वगैरह, इनको बिल्कुल टॉप पे रखा जाता है, लेकिन फिर उसके बाद ये सिलसिला तो नीचे की तरफ जाता है। और आपने देखा होगा पिछले दिनों पाकिस्तान के अखबारात में एक पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी को पहले 500 यूनिवर्सिटी की फेहरिस्त में शामिल किया गया था, नस्ट को, उससे पहले कायदेआज़म यूनिवर्सिटी को किया गया। कभी लफ्ज को डालते हैं, कभी निकालते हैं, और ये चीज चलती रहती है। अब जहां तक टॉप की 15, 20, 25 यूनिवर्सिटियों का ताल्लुक है, तो मैं समझता हूं कि वहां कुछ ज्यादा गुंजाइश है नहीं। आखिर उन यूनिवर्सिटियों ने अपना मेयार यहां तक कायम किया है कि अगर कोई एक रैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन ने हार्वर्ड को 25वें दर्जे पर रखा तो उसकी अपनी साख मजरूह हो जाएगी, लिहाजा उसको वो छेड़ नहीं सकते। लेकिन उसके नीचे जो कुछ है, मैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। मेरा मुद्दा यह है कि आप जो कुछ वहां देखते हैं, मां सेवा शुरू के 20, 25, 30, 40, 50 यूनिवर्सिटियों के, बाकी को आप भूल ही जाएंगे। इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस व्हाट्सएवर। ये कुछ ऐसी हेरा फेरी है वहां पर कि इस पर आप एतबार कर ही नहीं सकते। और मैं इसकी वजह आपको बताता हूं। मुझे पता नहीं दुनिया में कितनी यूनिवर्सिटियां हैं, सिर्फ अमेरिका में 5,000 हैं, इंडिया में 3,000 के लगभग हैं, पाकिस्तान में आज से 20 साल पहले 25 होती थी, आज कोई 250 से तजावुज कर गई है। तो अगर आप पूरी दुनिया का हिसाब लगाएं तो 30-40-50 हजार यूनिवर्सिटियां होंगी। और ये जो 7-8 रैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो न्यूयॉर्क में है, लंदन में है, बीजिंग में है, एक इनमें से बहुत मशहूर है क्यूएस के नाम से, वो बीजिंग में उसका मरकज है। अब इन रैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में कोई 20-30 अफराद काम करते हैं, और ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस कंपनियां हैं, और कंपनियों का मकसद होता है कि मुनाफा कमाया जाए। इन्होंने जो तरीकाकार अपनाया है, इस्तेमाल जो करते हैं, उसमें हरगिज ये नहीं कि कोई उस रैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन से जाए किसी कैंपस के ऊपर, उसका माहौल देखे, उसके टीचर से मिले, उसके स्टूडेंट से मिले वगैरह, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एक फॉर्म तैयार करते हैं जो ईमेल के जरिए से वो उस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार या प्रेसिडेंट को भेजते हैं, और फिर उस यूनिवर्सिटी की जानिब से वो फॉर्म भरकर उनको लौटाया जाता है। उस फॉर्म के अंदर यह है कि आपके टीचर कितने, स्टूडेंट कितने, आराजी कितनी है, पब्लिकेशन कितनी है, पीएचडी कितने तैयार हुए, एजाजात कितने मिले वगैरह। अब कुछ पता नहीं कि
जो भर कर भेजा जाता है वो किस हद तक ठीक है किस हद तक गलत है we don't know, लेकिन फर्ज कीजिए कि ठीक है, मान लें कि ठीक है। फिर अगला सवाल पैदा होता है कि चलिए अगर ये मालूमात जो वापस आई हैं दुरुस्त हैं तो इनको फिर कैसे एनालाइज किया जाए। आजकल के जमाने में जब आप जान नहीं सकते कि जितने पर्चे छपे हैं उनका इम्पैक्ट कितना है, तो चलिए फिर आप इम्पैक्ट फैक्टर उसमें शामिल कर लेते हैं, साइटेशंस के लिए अलग खाना तैयार कर लेते हैं, वो भी आप उनसे मांग लें। मगर इससे कोई सही तस्वीर नहीं बनती, क्योंकि आजकल के जमाने में आप जानते हैं कि पेपर्स लिखना, पेपर्स शाया करना और पेपर्स को साइट करवाना वो तो कोई मसला रहा। मैंने जब इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया था सन 1973 में, तो उस वक्त लेक्चरर के लिए कोई पब्लिकेशन की जरूरत नहीं थी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दो पेपर्स चाहिए थे, एसोसिएट का मेरा ख्याल है 4-5 था और फुल प्रोफेसर का 12 पेपर्स। अरे भाई अब तो 12 पेपर्स क्या, 24 पेपर्स तो ये पीएचडी स्टूडेंट अपने पीएचडी के थीसिस के दौरान लिखेगा। और दुनिया जहां की अनशन आजकल छप जाती है, ऐसे ऐसे जर्नल्स हैं, आपका जी चाहे तो आप भी शुरू कर सकते हैं। चलिए उस पर आप कुछ काबू पाने की कोशिश करें, साइटेशंस की तरफ देखें तो देख लेते कि साइटेशन के कार्टेल्स बने हुए। अर्ज ये कि आजकल के जमाने में यूनिवर्सिटी का मयार जानना बहुत ही मुश्किल काम हो गया है। शायद जो टॉप की यूनिवर्सिटियां हैं उनको आप टॉप इसलिए कह सकते हैं कि वहां ऐसे प्रोफेसरान हैं जिन्होंने ऐसी तहकीक की है जिससे नए नए तहकीक के मैदान खुल गए, ऐसी भी तो यूनिवर्सिटियां हैं ना, जाहिर है कि इसीलिए हार्वर्ड MIT स्टैनफोर्ड वगैरह को कितना अच्छा समझा जाता। फिर ये के वहां उनका एक बड़ा गहरा ताल्लुक बनता है इंडस्ट्री के साथ, मिसाल के तौर पर सिलिकॉन वैली में बहुत से ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने स्टैनफोर्ड में अपनी तरबियत पाई थी, तालीम पाई थी, या Route 95 जो अमरीका में है उसके आसपास जितनी इंडस्ट्रीज बनी है वो MIT की मरहूम मिन्नत है। ठीक है, ये जो चाहते हैं कि यूनिवर्सिटियां हैं और जिनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है वहां तक तो आप ये कह सकते हैं, लेकिन आप आगे कैसे जाए। इसमें जो खराबियां हैं उसका तो मैंने आपको जरा हल्का सा इशारा उसको उनकी तरफ किया। अब ये पिछले दिनों की बात है कि एक अमेरिकन प्रोफेसर ने इस बात का इंकशाफ किया कि सऊदी अरब की एक यूनिवर्सिटी ने इनको $1.5 लाख ऑफर किए थे कि भाई तुम अमेरिका में ही रहो, जो तुम्हें रिसर्च करनी है करो, बस हम आपसे सिर्फ एक चीज मांगते हैं कि आप अपनी वाबस्तगी किंग साउथ यूनिवर्सिटी के साथ दिखाएं और हम आपको तनख्वाह के अलावा ये $1.5 लाख दे रहे हैं इसलिए कि जो आपकी पब्लिकेशंस हैं उनको हम क्लेम कर सकें। अब ये कोई शरीफ प्रोफेसर था, उसने वो खत उठाकर शाया कर दिया। ये आम हो रहा है अरब की यूनिवर्सिटियों में, वेयर दे बाय एफिलिएशंस। मैं उधर के चंद प्रोफेसरों से वाकिफ हूं, okay, मुझे मैं जाती तौर पे वाकिफ नहीं हूं लेकिन मुझे उनके नाम बतलाए गए। वो ऐसे प्रोफेसर हैं जो पता नहीं अपनी सब्जेक्ट के बारे में कितना कुछ जानते हैं नहीं जानते हैं, आई डोंट नो, लेकिन उन्होंने एक पूरा जाल बिछाया हुआ है दुनिया में जहां उन प्रोफेसर से रابطہ किया है
जिनकी साइटेशन ज्यादा होती है उनको ऑफर किया है, वो उस जाल का हिस्सा बने हैं, जिसके नतीजे में वो प्रोफेसर आम खुद अब न सिर्फ वहां पक्के हो गए लेकिन बहुत बड़े हो गए अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर। तो ये जमाना, इंटरनेट का जमाना पिछले जमानों से अब बहुत ही ज्यादा मुख्तलिफ हो गया है। आप किसी फर्द को, किसी इंडिविजुअल प्रोफेसर को, किसी इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी को अब उस पैमाने से जज नहीं कर सकते जिस पे आप पहले उसका हिसाब करते। अब मुझे पता नहीं इस मसले का हल क्या है। मैं ये देखता हूं मिसाल के तौर पर बहुत सी अनशन आजकल छप रही है। कोई दो साल तीन साल तीन साल पहले की बात है, कायदे आजम यूनिवर्सिटी को 496 रैंक किया गया था हमारी इंजीनियरिंग की वजह से। यहां तीन इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स को बहुत सराहा गया था। अरे भाई यहां तो इंजीनियरिंग का कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है। तो जब वाइस चांसलर उस वक्त यासीन मासूम जाई थे, उनको बताया गया कि आजम यूनिवर्सिटी में तो कोई इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है नहीं, फिर भी आप कह रहे हैं कि दिस इज 496 इन द वर्ल्ड। वो कहते हैं कि हाँ ठीक है नहीं है लेकिन फिर भी हम बहुत ही अच्छे हैं। तो माय फ्रेंड्स दिस हैज लॉस्ट कंप्लीटली लॉस्ट मीनिंग। आप अगर ये सुनते हैं कि लम्स यहाँ है, कायदे आजम यहाँ है, या बहरान यूनिवर्सिटी यहाँ है, ऊपर है नीचे है आस है पास है, उस पर काम करने की कोई जरूरत। हमें एक ज्यादा अहम चीज की तरफ मुतवज्जो होने की जरूरत है कि आखिर एक अच्छी यूनिवर्सिटी क्या है और अच्छी तालीम, आला तालीम किसे कहा। तो मैं इसकी शनाख्त करना चाहता हूं और ये मैं आलमी तौर पर और फिर पाकिस्तान के हवाले से, इसलिए कि दोनों में थोड़ा सा फर्क है। यूनिवर्सिटी के दो अहम काम होते हैं। एक ये कि वहां तहकीक होनी चाहिए, मियारी दर्जे की तहकीक, वो तहकीक जिससे नया इल्म जन्म ले। और हम देखते हैं कि जो दुनिया में आजकल की सनतें बनी हैं वो सिर्फ इसलिए कि जो नया इल्म पैदा हुआ, बनाया गया, तहकीक किया गया उन यूनिवर्सिटियों के अंदर, वो फिर आखिर समाज के अंदर पहुंचा, वहां सनतें बनी, वहां नए इदारे बने, वहां इल्म की नई शाखें खुली। हम देखते हैं कि सनती इंकलाब जो 200 साल पहले बरपा हुआ था, उस वक्त इसकी शुरुआत हमें दिखाई दे रही थी। एक ऐसा मुआशरा बनने लगा था जिसकी बुनियाद इल्म है और उसके नतीजे में फिर दुनिया में बहुत बड़ा फर्क आ गया। जो दुनिया के ताकतवर मुल्क बने वो इसलिए नहीं बने कि उनके पास कुदरती वसाइल बहुत से थे, इसलिए नहीं कि वहां पर कोयला ज्यादा या मादनियात ज्यादा या तेल ज्यादा, वो इसलिए कि उधर खोपड़ियां भरी हुई थी, नए आइडियाज से भरी हुई थी। यही वजह है कि आप देख रहे छोटा सा हॉलैंड है, नेदरलैंड्स, जिसकी आबादी पाकिस्तान से 7 गुना कम है लेकिन जिसकी कुल कौमी पैदावार हमसे 10 गुना ज्यादा। तो अब जदीद जमाने में जो दौलत और जो एक मुल्क की ताकत बनती है, वो ताकत खा अस्करी हो या इक्तसादी, वो ताकत बनती है खोपड़ी के जोर से।
जोरदार बनाना यूनिवर्सिटियों का काम है, और वो यूनिवर्सिटियां ऐसे लोग तैयार कर सकती हैं जहां तहकीक होती है, जहां नया इल्म ढूंढा जाता है। ये नहीं कि वहां से पर्चे लिखे जाते हैं, पर्चे लिखना उसका एक हिस्सा जरूर हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा कि देयर हैव टू बी न्यू आइडियाज। तो ये एक काम। दूसरा काम ये कि उन यूनिवर्सिटियों में तालीम की सतह, तालीम का मियार बहुत बुलंद होना चाहिए, और ये तभी हो सकता है जब पढ़ाने वाले खुद अपने मजामीन से पूरी तरह से आशना हो, उन पर वो उबूर रखते हैं। ये नहीं कि सिर्फ डिग्रियां शिग्रियां हासिल की हुई हो, ये कि दे शुड नो देयर सब्जेक्ट। और यही वजह है कि जो दुनिया की अच्छी यूनिवर्सिटियां, जो मैं शुरू की 15-20-25-50 यूनिवर्सिटियों के बारे में आपको बता रहा, वहां न सिर्फ तहकीक है लेकिन मेरी तालीम भी है। तो अब हमें तो ये तो एक जनरल बात थी पूरी दुनिया के बारे में, लेकिन अब हम अपने मखसूस हालात के ऊपर गौर करें। बहुत कुछ है कहने को, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा कि पाकिस्तान में अब तक कोई एक ऐसी यूनिवर्सिटी भी नहीं है जो बैन अल-अक़वामी मेयार के ऊपर पूरी उतरती। यहां कुछ है जो उसके नजदीक हैं, लेकिन देर इज नथिंग ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इसका मतलब यह नहीं है कि मुस्तकबिल में ऐसा नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें उससे पहले बहुत कुछ अचीव करना होगा। अगर मेरे पास अलादीन का चिराग होता, मैं ऐसे ही फर्ज करूं अलादीन का चिराग है, मैंने उसको झाड़ा, उसमें से जिन निकला, उस जिन ने मुझसे कहा कि सरकार बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, मैं आला तालीम का जिन हूं और मैं सिर्फ इस शोबे में आपकी मदद कर सकता हूं, और तीन हुक्म हो सकते हैं आपके, तीन से ज्यादा नहीं।